ये भाग गया था। अब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अब वापिस आ गया पुराने आलमित में, छोड़ के नहीं गया। मुझे तो मेवात से पूछो, मैं सो रहा था या जाग रहा था, रही साहब मेवात के लोगों से पूछे ना। और ये तो अब इलेक्शन में मेवात की जनता बता देगी। सोने से तुम कहां थे, तुम सोने से तुम जागे, तुम तो बताओ। पुनाना विधानसभा की राजनीति करवट ले रही है। पूर्व विधायक रईस खान ने चंद दिन पहले कार्यकर्ता बैठक बुलाकर साफ कर दिया है कि अब वो किसी दल से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बैठक के दौरान विधायक मोहम्मद इलियास पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक मोहम्मद इलियास सोते रहते हैं। अब विधायक मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि रईस खान ने जो हमला बोला है कि विधायक सोते रहते हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए कासम भाई, पहली बात तो आपने एक सवाल किया था अभी कि रईस खान ने कहा मैंने सबसे ज्यादा विकास किया है, आपने क्या किया है आप भी बताइए, बजाय इसके एक अलग अलग कोई एक्सप्लेन करूं। मेवात के अंदर अगर कोई विनाश की शुरुआत की है, विकास की नहीं, अगर कोई विनाश की शुरुआत की है तो वो रईसा ने की है, रईसा के भाई ने की। चाहे वो 306 के केसेस की बात हो, चाहे वो मेवात के थानों की लूटपीट की बात हो, चाहे वो हमारी यहाँ की जो इज्जत की बात है, अगर इज्जत हमारे यहाँ जो लूटना शुरू हुआ है आज तक जो बरकरार चल रहा है। मैं रईसा जी से ये पूछना चाहता हूँ, पहले ये बताओ आपके वक्त में 376 कितने बड़े से थाने के अंदर, कितना लाखों रुपए जो है वो जो आपके थ्रू जो है वो लूटा गया था और कितना पुलिस को दिया गया था, आप उसका जवाब दीजिए। जहां तक मेरे विकास की बात है, आप मेरे विकास बताइए आपने क्या विकास किया है। मैं आपको एक बात, मैं इरीगेशन पर आपको मुख्य तौर पर इरीगेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इरीगेशन के लिए जो दुनिया की एक बहुत नेसेसिटी है, रोजगार और पानी, पानी और रोजगार, मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ खोटा पट्टी कुडालता गांव है, यहाँ से नजदीक 4 किलोमीटर गुड़गांव केनाल पर एक मैंने पंप हाउस लगाने का काम किया, नंबर एक पर, जिसपे आज हजारों एकड़ उससे आपासी हो रही है। और दूसरा बिछोर के अंदर मैंने पंप हाउस का निर्माण करवाया और उसपे पंप सेटअप करवाए, जिससे कि आज बिछोर के जो आसपास के गांव है उनकी आपासी हो रही है। और खासतौर से मैंने श्रृंगार के लिए भी, जब आप मेरी बेसिक विधानसभा के दौरान की आप बाइक देख रहे, बाइक देख रहे, मैंने हमेशा श्रृंगार की, श्रृंगार का नाम रखा जो हमारे मेवात का सबसे बड़ा गांव है। अफसोस की बात ये, जो भी पुराने से मिल रहा है इससे पहले कभी श्रृंगार का नाम नहीं लिया, कभी हमारे बड़े गांव जो मेवात का है कभी उसके लिए कोशिश नहीं की कि भाई श्रृंगार गांव की जमीन की आपासी हो या उनकी। विधायक जी, सोने वाले बयान बड़ा चर्चा में है, सोने वाली बात बताओ, क्या आप सो रहे थे या क्या जवाब दोगे आप उसका? ये रईसा का अंधा भी हो गया, इसका मतलब रईसा अंधा भी हो गया। मुझे तो मेवात से पूछो, मैं सो रहा था या जाग रहा था, रही साहब मेवात के लोगों से पूछे ना। और ये तो अब इलेक्शन में मेवात की जनता बता देगी कि कौन सो रहा था और कौन जग रहा था, इसको जवाब तो मेवात की जनता देगी और दे रही है। और जैसे ये बोला फेसबुक पर लोगों ने कह तो दिया कि जिस वक्त मेवात के अंदर 36 बिराजी में आग लग रही थी, हम तो किसान यूनियन के उनके जो हमारे बड़ी बड़ी पंचायतें खाप हैं जो 36 बिराजी की हरियाणा की, उनके बड़े आभारी हैं। हमारे अंदर मेवात के अंदर जो बीजेपी सरकार ने आग लगाने का काम किया था, उसको उन लोगों उसके सहयोग से आज हमारा मेवात अमन और शांति से रह रहा है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। ये हमारे हमेशा हमेशा जो है किसान यूनियन का और उनके साथियों का जो भी उसमें पदाधिकारी, हम हमेशा उनका ऋणी रहेंगे। और आसपास के जितने जिले हैं जो हमारे खासतौर से पड़ोसी हल्के, चाहे वो पलवल है, चाहे फरीदाबाद, चाहे होडल है, सभी लोगों ने हमारा इसमें सहयोग किया, हम उनके सबके आभारी हैं। रही साहब बार बार ये बात कहता है सोने की, तो सोने से तुम कहां थे, तुम सोने से तुम जागे, तुम तो बताओ, इसका मतलब तुम जाग रहे थे तो इस कौम की मुखालफत में जाग रहे थे, आप लोगों ने इस कौम की मुखालफत की थी। और अगर हम जाग रहे थे, हम अपना फर्ज अदा कर रहे थे, हमारा जो हक था जो हमारे इस इलाके के लिए बनता था, हमने 36 बिराजी के अमर और कायम के लिए, हमने अपनी हिफाजत के लोगों की हिफाजत के लिए हमने अपना हक अदा किया, वो तो हमारी बाइट देख रहे हो, या वो अपनी बाइट बता दे कोई, या वो अपनी बाइट बता दे वो कितना जाग रहा था, या हमारी बाइट को देखने निकलवा गए, हम कितना सोने से जाग रहे उससे पता नहीं जाएगा। बाकी पूरी जनता बता देगी अभी इलेक्शन में कौन सो रहा था और कौन जाग रहा था। विधायक जी,
अब इंडिपेंडेंट लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एक बार आपने उनको हराया, एक बार उन्होंने आपको हराया, तीसरा कैंडिडेट भी अभी सामने मैदान में आएगा भारतीय जनता पार्टी का, क्या मुकाबला मानते हैं और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऊपर क्या कहना है आपका, क्या किसी पार्टी ने नहीं दिया? देखिए कासम भाई, सही बात ये मैं ही नहीं जाग रहा था, बल्कि हमारी पूरी पूरी पार्टी जाग रही थी। आदरणीय हुड्डा साहब ने भी बयान दिया था, जो कुछ हुआ ये हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधान श्री उदय भान जी ने बयान दिया था, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री श्री आफ्ताब जी का बयान भी आया था, मम्मन जी का भी आया था, मेरा भी आया था, जैसे आप देख रहे हैं। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी पार्टी ने पूरा 36 बिरादरी की जो है अमर अमर के लिए पूरा काम किया और सब सहयोग दिया। चुनाव की बात, चुनाव का जहां तक ताल्लुक है, चुनाव की बात, अब रही सारे इंडिपेंडेंट की बात की है, आपने एक बात और सुनी देखी होगी, सुनी होगी उस बाइट में, उसने एक इशारा और भी दिया था, लेकिन बेचारे हमारे सीधे साधे लोगों समझ नहीं पाएंगे। आज भी रही सारे दिन में बीजेपी बसी हुई है, उसने मनोहर लाल जी की तारीफ की है कल वहां अपनी बाइट में, साहब वो तो मनोहर लाल जी ठीक है, बीजेपी ने इतना विकास कराया, वो ये किसने विनाश कराया था जो 31 साल में हुआ है, रईसा जी ये भी बता दो, और वो विकास भी बताओ, वो विकास बताए तो सही कौन से विकास है, मैंने तो बता दिया इन्होंने तो विकास किया ही नहीं, चाहे बीजेपी सरकार सेंटर की हो चाहिए हो, और रईसा जी विकास की बात को बताए तो सही क्या विकास किया है। तो आपने कहा कि हुड्डा ने भी और अभय ने भाव नहीं दिया, क्या कहेंगे? हाँ तो आप देख ही रहे हो यार, वो जब हम पढ़ा करते थे तो एक मुहावरा था कि जब वो एक लोमड़ी जब अंगूर खाने गई तो वो लंगूर थोड़े वो पेट में ऊंचे लगे हुए थे, उन्होंने उछल कूद कर कोशिश की अंगूर खाने की, लेकिन अफसोस जब वो मायूस हो गई, उन्होंने कहा यार नहीं ये तो बेकार बात है, वो हाथ तो क्या ही नहीं कह रहा अंगूर खट्टे होते। तो रईसा जी आप तो चलो कांग्रेस पार्टी में भी आपने खूब घोटे रगड़ लिए, अभय जी के पास भी आपने घोटे रगे, तो आपको किसी ने भाव ही नहीं दिया, इसलिए आप इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। जब आपको टिकट नहीं मिला तो वही लोमड़ी वाली बात है, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए, आज टिकट बुरा हो गया, आप तो टिकट से तुझे लड़ा को रात टिकट की बात कर रहा है, इससे पहले जो जहां जाता था कि साहब मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैं टिकट लेके आऊंगा, तुम घबराओ मुझे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो बातें कहां गई रईसा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कहां है वो बातें। और सोए जागने की मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आने वाला एक बात और थी जो मैं भूल गया था, इसलिए मैंने बीच में किसी कारण जो है मैंने फिरोजपुर की चर्चा चली थी मेरी, और मैं एक दो दफा गया था कि लड़ना से बात की बात थी, तो आदरणीय हमारे हुड्डा साहब ने जो हमें निर्देश किया हमने वही माना, मगर नहीं जी आप जो कहोगे लड़ाओगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाओगे तो नहीं लड़ेंगे। उस वक्त इसने एक बात की थी, आज तो वो डर गया, मैदान छोड़ के भाग गया। रईसा जी मैंने तो आपका मेरा हाथ तो मैंने तो दोबारा से पुले, अगर आप ये मानते हो मैं डर गया या भाग गया था, अब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अब वापिस आ गया पुराने हाल में, तो मैं छोड़ के ही नहीं गया, अब मैं आपका चैलेंज कबूल करके वापिस आया हूँ, अब आप तैयार हो जाओ, अब मेरा चैलेंज कबूल करो, मैंने तो आपका चैलेंज कबूल करे, मैं तो वापिस आ गया, अब आप देखते हैं तो हाथ करके आप मेरे मुझे कबूल है आपका चैलेंज है।